भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, उफ फुर्सत नहीं। क्या आप भी इस बात से परेशान है कि आपकी कोई बेहद जरूरी काम और खास दिन भी भूल जाते हैं? इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी का सीधा असर हमारी याददाश्त पे देखने को मिलता है। चलिए हम ये जान लेते हैं कि हम भूलते क्यों हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस चैनल 11वीं पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं भूलना क्या है। भूलना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम चाहकर भी इसे नहीं रोक सकते। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 56% बातें हम एक घंटे के अंदर भूल जाते हैं, लगभग 66% बातें एक दिन में और लगभग 75% बातें 6-7 दिन के में भूल जाते हैं। भूलने का सीधा मतलब होता है किसी की हुई या अनुभव की हुई बातों को जरूरत के वक्त मस्तिष्क में प्रतिफलित न कर पाना या पूरी तरह याद न कर पाना। यह इन्फॉर्मेशन का गुम हो जाना जिससे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा करके रखा गया था। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन, जिसका मतलब होता है 1000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, जिसे हम इंसान कई अद्भुत कामों को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अर्जित किए हुए अनुभव को हम खोने से नहीं रोक पाते और उसके कई कारण हैं, जैसे डिके, क्षय होना। कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ जानकारी आपकी स्मृति से गायब हो गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि याद तो था पर अभी कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहा है? स्मृति में पुनः प्राप्त न कर पाना भूलने का एक कारण है। तो स्मृति से हम जानकारी पुनः प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? पुनः प्राप्ति की इसी अक्षमता को डिके थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक स्मृति का एक निशान बन जाता है हमारे मस्तिष्क में जब भी हम कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं, और यह निशान समय के साथ फीका पड़ने लग जाता है और यह गायब होने लग जाता है, इसीलिए हमारी याददाश्त कमजोर पड़ने लग जाती है। चलिए दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं, यह है इंटरफेरेंस, जिसको हस्तक्षेप भी कहा जाता है। कभी कभी इंसान इंटरफेरेंस का या हस्तक्षेप पे चलते भी भूल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्मृतियां एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने लग जाती है या हस्तक्षेप करने लग जाती है। जब एक तरह के दो या ज़्यादा जानकारी स्मृति में आ जाती है तो ऐसा होने लगता है। अब ये इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला हुआ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें पुरानी स्मृति नई स्मृति को बाधा देती है, और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें नई स्मृति पुरानी स्मृति को याद करने में बाधा पहुँचाती है। अब तीसरा कारण है फेलर टू स्टोर, मतलब जमा कर पाने की अक्षमता। कभी कभी सूचनाएं गंवा देना और भूल जाने में खूब कम संपर्क रहता है। वास्तव में होता यह है कि उस सूचना को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी अर्थात दीर्घस्थायी स्मृति या याददाश्त में रखते ही नहीं, जिस वजह से कुछ सूचनाएं गंवा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस सीढ़ी से हम ऊपर नीचे करते हैं उसमें कितने स्टेप हैं पूछने पर हम सब पका जाते हैं। ओवरऑल जिस्ट अगर याद रह जाता है तो उसका डिटेल हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो ये भी एक याददाश्त कम पड़ने की वजह है। फिर है मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग, जिसको हम प्रेरित विस्मृति कर सकते हैं। मतलब कभी कभी कुछ सूचनाएं या चीज़ें हम भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे भूलना चाहते हैं, खासकर कुछ दुखदायी घटना या अनुभव। ऐसे प्रेरित विस्मृति दो प्रकार के होते हैं। पहला सप्रेशन, मतलब दबाना, जिसमें हम अपनी इच्छा से किसी अनुभव या सूचना को दबाना चाहते हैं, और दूसरा है रिप्रेशन, मतलब दमन करना, जिसमें हम इच्छा तो नहीं है अनिच्छिक तौर पर किसी चीज़ हमारे मन में स्मृति में दब जाता है, जरूरत के वक्त हम उसको निकाल नहीं पाते हैं। इन कारणों के सिवा और भी कुछ कारण हैं जिससे हमारी याददाश्त कम हो जाती है या धीरे धीरे गायब हो जाती है, मतलब हम भूलने लगते हैं। जैसे कि
अल्कोहल, किसी भी तरह का अल्कोहल लेना हमारे स्मृति के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर डिप्रेशन, मतलब अवसाद, मन में अवसाद भर जाना, आग्रहहीनता या लो मूड, ऐसे रहना भी भूलने का एक कारण है। फिर लैक ऑफ स्लीप, मतलब अच्छी नींद का अभाव होना। आमतौर पर एक इंसान को 6-7 घंटा अच्छी तरह से साउंड स्लीप सोना चाहिए। 6-7 घंटे का क्वालिटी नींद अगर ना हो तो याददाश्त पे बुरा असर पड़ सकता है। फिर ये जो मेडिकेशन है, मतलब कुछ ऐसे औषधियाँ, दवाइयाँ जिसका साइड इफेक्ट रहता है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी याददाश्त कम होने लगता है और हम भूलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसके कारण हमारी याददाश्त कम हो जाती है और हम अक्सर कोई सूचना, अनुभव या घटना भूलने लगते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में इस याददाश्त कमजोरी के कारण हम जो भूलने लगते हैं उससे निजात कैसे पाया जाए उसके बारे में आपको बताऊंगा। मतलब ये जो याददाश्त की कमजोरी है, इस कमजोरी से कैसे मुक्त हो जाए उसके भी कुछ उपाय हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल ज्ञानमयी पाठशाला से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।